तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है रायगढ़ करीबी बाइकर। आशा कर तो आप सब लोग सेहतमंद रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे जहाँ पे भी हो। तो आज का जो वीडियो है, मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ हीरो इलेक्ट्रो के जो इलेक्ट्रिक साइकिल्स है, उसमें मैं 2 से 3 हीरो इलेक्ट्रो की साइकिल्स की जो है रिव्यू करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा आप और एक और हीरो के ऑप्शंस। तो मेरा वीडियो देखते रहिए आगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं हीरो इलेक्ट्रो की जो C3 मॉडल है उसके साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे साइकिल ब्लू कलर में, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है इसका। और ये जो फ्रेम बना है वो जो बना है 6061 अलॉय से, एल्यूमिनियम है ये, एल्यूमिनियम अलॉय 6061 का अलॉय विंग फ्रेम है ये। मेरे हिसाब से ये अराउंड 26 इंचेस का रहेगा। उसके बाद ये जो है आप जैसे कि देख पा रहे हो, हम यहाँ पे जो टायर साइज़ है वो अराउंड 26 इंचेस का है। ये जो टायर साइज़ है इसका 26 इंचेस का है। इसके इसको कोई सस्पेंशन नहीं आता ना आगे ना पीछे। तो एक ये इसमें अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, इस पर कोई सस्पेंशन नहीं है। फिर जो है यहाँ पे डिस्क ब्रेक फ्रंट में आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रंट में है, लेकिन बैक में कोई आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलेगा। तो एक और वो चीज़ है, बैक में आपको ये सिंपल वाले पैडिंग वाले जो ब्रेक्स रहते हैं ट्रेडिशनल, वो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है अगेन हर एक पार्ट का वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम चलते हैं इसके हैंडल बार पे। हैंडल बार पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक एनालॉग डिस्प्ले है, मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये स्टार्ट हो गया है, अभी इसका बैटरी लेवल यहाँ पे दिखाएगा आपको। और यहाँ पे 3 मोड्स है, लो मीडियम हाई, जैसे कि पैडल असिस्ट के हम बोलते हैं, तो इनका लो और लो मिड और हाई, ऐसे 3 मोड्स है। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ऑन ऑफ है आपका। फिर यह है 6 किलोमीटर पर आवर का क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, अगर आप क्रूज़ करना चाह रहे हो तो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप क्रूज़ कर सकते हो, वो एक अच्छा फीचर है। फिर यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है। और मैं आपको पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे मोटर की तरफ, तो जो मोटर है इसका 26 वाट, मैं आपको बताता हूँ, 36 वाट का 26 वोल्ट का ये मोटर है। रियर BLDC मोटर है इसका, यहाँ पे मोटर लगाया हुआ है। और ये गियर साइकिल नहीं है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये गियर साइकिल नहीं है नॉर्मल, आपको ये साइकिल जो है गियर नहीं है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और इसका चैन पॉकेट का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, पैडल्स का क्वालिटी अच्छा है, जो फुटरेस्ट रहता है उसका क्वालिटी अच्छा है। ओवरऑल जो डिज़ाइन में है वो काफ़ी ही अट्रैक्टिव लगती है। और हाँ, इसका एक और बात, बैटरी की बात करता हूँ मैं, तो इसका बैटरी जो है अराउंड जो है मेरे हिसाब से 7 AH का बैटरी है, जो कि इस फ्रेम के अंदर इंटीग्रेटेड है। जैसे कि मैं बोलता हूँ हर बार, मेरे को इंटीग्रेटेड पसंद नहीं है, लेकिन हाँ। और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है। तो आपको ये प्रोविज़न करना पड़ेगा, आपका अगर अपार्टमेंट है बिल्डिंग है तो आपको सॉकेट नीचे आपके मीटर से लेना पड़ेगा, या फिर आपको हर रोज़ ऊपर नीचे आपके फ्लैट में साइकिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चार्जिंग का, और इसके अंदर ही सब सेंसर्स कंट्रोलर इसके अंदर ही है, सब इस फ्रेम के अंदर इंटीग्रेटेड किए हुए हैं। इसका चार्जिंग टाइम जो है नॉर्मल 3-4 घंटा है फुल चार्ज करने के लिए, अराउंड 3 से 4 घंटा टाइम लेगी ये। उसके बाद जो है इसका रेंज जो आपको मिलेगा वो अराउंड, अगर आप फुल थ्रोटल पे, यहाँ पे थ्रोटल है जो कि एक हाफ थ्रोटल है, फुल थ्रोटल नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एक थ्रोटल है, तो ये हाफ थ्रोटल है, जब यह आगे थ्रोटल नहीं है, ये बस इतना ही थ्रोटल है, तो ये थ्रोटल हो गया। फुल थ्रोटल आप यूज़ करके चलाओगे तो आपको मेरे हिसाब से 20-25 के आसपास ये एवरेज निकाल देगी, रेंज निकाल देगी। और आप पैडल असिस्ट या फिर पैडल का यूज़ करके अगर आप इसको चलाना चाह रहे हो, जो कि एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो फिर मेरे हिसाब 30-35 तक ये जाना चाहिए साइकिल, जिसके इसका बैटरी जो कैपेसिटी है 7.5 AH का जो बैटरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर के लिए भी प्रोविज़न दिया हुआ है, एक अच्छा साइकिल। मैं आपको वेट दिखाता हूँ उसका, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 20-21 किलो रहेगा वेट इसका, ज़्यादा हैवी नहीं। आप आराम से अगर आपके पास घर में आप रोज़ाना ऊपर नीचे करना चाहते हो, अगर आप सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पर रहते हो, तो आप आराम से लिफ्ट में से लेके जा सकते हो और नीचे ला सकते हो, इतना कुछ हैवी नहीं है। सीट का कुशनिंग भी एकदम स्पोर्टी सीट दिया हुआ है, कुशनिंग भी अच्छा है, लॉन्ग ड्राइव के लिए आप आराम से ले सकते हो। और ये ज़्यादा हैवी होने के नहीं होने के कारण इसको आप पैडल पे भी आराम से चला सकते हो,
अगर बैटरी आपका डिस्चार्ज हो गया बीच में ही चलते चलते आराम से आप पैडल पे चला सकते हो, आप थकोगे नहीं ज़्यादा क्योंकि इसके थोड़ा लाइट वेट है, एल्यूमिनियम फ्रेम होने के कारण ये बहुत ही लाइट वेट है। और तो ये तो मेरा क्या है, मैं क्या आपको ये सजेस्ट करूँगा या नहीं करूँगा, देखिए आपका अगर बजट है, हाँ इसका प्राइस मैं बता देता हूँ आपको, इसका प्राइस 27,500 है अभी फ़िलहाल, जो कि कम ज़्यादा होते रहता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स। तो अभी मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रिक साइकिल है, मैंने पहले बता दिया मैं क्या 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 देख रहा था इलेक्ट्रिक साइकिल में, तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा मैंने क्या क्या देखा था। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं ये आपको ये साइकिल लेनी चाहिए नहीं चाहिए, देखिए आप ये आपके ऊपर है, डिज़ाइन इसका बहुत ही अच्छा है, कहीं से भी आपको इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं लगेगी तो आप रोड पे आप ये साइकिल ध्यान नहीं खींचने वाली है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है ये सब इंटीग्रेटेड है पार्ट्स, तो इसका खर्चा बहुत आएगा, आपको पूरा फ्रेम खोलना पड़ेगा बाद में, अगर बैटरी ख़राब हो जाती है, कंट्रोलर ख़राब हो जाता है, सेंसर्स ख़राब हो जाते हैं, तो पूरा आपको फ्रेम खोलना पड़ेगा, तो वो एक है एडिशनल, क्योंकि इसका बैटरी ऊपर नहीं है नीचे है, तो वो एक है। तो उसके हिसाब से मेरे को, मैं हर बार देखूंगा कि मेरे को एक्सटर्नल फिटेड वाला बैटरी चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो वो एक है। और हाँ, आप हर रोज़ अगर आप पार्किंग में नहीं रखना चाहते, ऊपर नीचे करना चाहते हो साइकिल, आप कर सकते हो, और आपका बजट 26 से लेके 27-28 तक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं आजकल साइकिलिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे लोग, 20-25 हज़ार का नॉर्मल साइकिल ले लेते हैं। तो आपको अगर आप साइकिल ही लेना चाह रहे हो और एक इलेक्ट्रिक साइकिल जो आपको थोड़ा बहुत रेंज भी देगा, आपका एक्सरसाइज भी अच्छा करवाएगा, तो उसके हिसाब से आप ये सोच सकते हो साइकिल, क्योंकि वैसे तो अच्छा डिज़ाइन है, डिज़ाइन भी अच्छा है, फ्यूचर्स जो नॉर्मल लगते हैं वो सब फ्यूचर्स इसमें दिए गए, तो ऐसा नहीं कि एकदम भी अच्छा नहीं है। अगर आपका बजट कंस्टेंट है 26-27 हज़ार के आसपास, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ इस पर, मेरा हाइट 5.7 है, मैं बैठ के दिखाता हूँ। तो ये पोजीशन है बैठने के बाद, और ये इसका हैंडल जो अब काफ़ी वाइड है, आपको थोड़ा ये एग्रेसिव पोस्चर देता है जब आप बैठते हो, तो ये थोड़ा वाइड एंगल है, तो और ये इस थोड़ा ये ऊंचा है पैडल्स का, ये जो है ये थोड़ा ऊंचा है, तो आप एकदम हाई होके बैठते हो उस पर, सीट भी एडजस्टेबल है। और एक और फ्यूचर है इसमें आपको बता देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये इसको बोलते हैं क्विक रिलीज। इससे क्या होता है, अगर आपको कार में गाड़ी लेनी है, आपकी कार छोटी है, तो आपको टायर ऑफकोर्स आगे वाला निकालना पड़ेगा तभी आप कार में फिट कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, ये आप जो है जो प्लग है आप खींच दोगे तो ये बाहर आ जाता है। अभी मैं नहीं करके दिखा पाऊँगा क्योंकि ये डेमो साइकिल नहीं है, ये बाहर आके टायर बस निकल जाएगा और आपका साइकिल जो है कार में आप उसको लेके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही फ्यूचर है, ये मेरे साइकिल में भी नहीं है ये फ्यूचर, लेकिन इस साइकिल में आपको मिल रहा, तो एक अच्छा ऑफर कर रही है हीरो उनके साइकिल्स में, बाकी के मॉडल्स में बताऊंगा है या नहीं। तो ये था पूरा आज का डिटेल रिव्यू, चलाने के लिए मुझे नहीं मिला है जो, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत चलाया है, एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, क्विक एक्सेलरेशन है, चढ़ाई आराम से चढ़ लेगी कोई भी हो, तो चढ़ाई चढ़ने का भी टेंशन नहीं है। तो कैसे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को रायगढ़ का रिव्यू बाइकर इसका नाम है, उसको सब्सक्राइब किया, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।